हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर ग्रेट दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द्वितीय आंगल सिख युद्ध पहला प्रथम आंगल सिख युद्ध दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं और उस युद्ध के बारे में जान सकते हैं दोस्तों मैंने पूरी पृष्ठभूमि डिस्कस करी है प्रथम आंगल सिख युद्ध के बारे में उसके कारण उसके परिणाम सब कुछ दोस्तों दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है दूसरा आंगल सिख युद्ध सेम प्रोटोकॉल दोस्तों हम लोग फॉलो करेंगे हम लोग कारणों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद युद्ध में क्या क्या मेजर इवेंट हुए फिर उसके बाद उसके बाद क्या परिणाम हुए ये दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं 1846 से 1848 तक को घटनाओं का अध्ययन करके ये समझा जा सकता है कि इतने थोड़े समय में ही दोबारा युद्ध किस प्रकार भड़क उठा सिख राज्य पर ब्रिटिश प्रभाव निरंतर बढ़ता गया जनरल ने संधि करके राज्य को तो बनाए रखा लेकिन ये स्वतंत्र ये राज्य स्वतंत्र रूप से शासन संचालित नहीं कर सकता था यानी 1846 में प्रथम आंगल सिख युद्ध हो गया था जो कि संधि हुई थी उसके बाद जो वहाँ के सिख राजा थे उनको ए राजा को वहाँ पे हटा के दूसरे राजा बनाया गया था जिससे क्या हुआ था उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे वो कहने को तो एक स्वतंत्र राज्य था मगर वास्तव में वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के कब्ज़े में धीरे धीरे जाने लगा था दिसंबर अठारह में अंग्रेज़ों ने लाहौर दरबार के साथ बातचीत करके मार्च की संधि की शर्तों के साथ ही कुछ अन्य शर्तें जोड़ दी रानी जिंदन के प्रभाव से अंग्रेज़ चिंतित हो रहे थे उसे पेंशन देकर केवल शासन से ही अलग नहीं किया गया बल्कि रानी को बनारस में रहने के लिए कह दिया गया जिससे वह सिख राज्य में किसी प्रकार हस्तक्षेप ना कर सके दिसंबर 1846 के 40 से ब्रिटिश रेजिडेंट सिख राज्य की शासन की देखरेख करने लगा अब ब्रिटिश सरकार ही दिलीप सिंह की संरक्षक बनी गई बन गई ब्रिटिश रेजिडेंट की अनुसार ही आठ मंत्री शासन का कार्यभार चलाने के लिए नियुक्त किए जाने लगे ब्रिटिश सेना जो अस्थाई तौर से लाहौर में रखी गई थी उसे और अधिक समय तक लाहौर में रखने का निश्चय किया गया इन प्रशासकीय परिवर्तनों द्वारा जहां एक ओर सिख राज्य के शासन पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया वहीं दूसरी ओर सिख नेताओं का प्रभाव पंजाब राज्य पर घटता गया यहां पर धीरे धीरे जो ब्रिटिश लोग का दबदबा था वो बढ़ रहा था और वहाँ के जो मूल राजा थे और वहाँ के जो लीडर्स थे उनका जो दबदबा था वो धीरे धीरे वहाँ के अपने शासन से घटता जा रहा था द्वितीय आंगल सिख युद्ध के कारण दोस्तों अब लोग जानेंगे हम और उसको वो कैसे प्रारंभ हुआ दो मार्च 1848 में जो घटना मुल्तान में घटी उसने शीघ्र ही द्वितीय युद्ध का रूप ग्रहण कर लिया ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर लाहौर दरबार ने मुल्तान के गवर्नर मूलराज पर दबाव डाला और उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा मूलराज के स्थान पर नया गवर्नर नियुक्त किया गया गवर्नर को शासन में सहायता देने के लिए दो अधिकारी भी नियुक्त किए गए जब नया गवर्नर और उसके अंग्रेज़ सहायक पंद्रह सौ सैनिकों के साथ मुल्तान पहुँचे तो मूलराज ने के सैनिक उत्तेजित हो उठे उन्होंने दोनों अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला इस घटना से ये स्पष्ट हुआ कि ब्रिटिश प्रभाव के प्रभा के विरोध में सिख सेना में रीश बढ़ रहा है यानी रोष बढ़ रहा है तो दोस्तों ये घटना 1848 में हुई थी ये मूल कारण था द्वितीय आंगल सिख युद्ध का मूलराज ने मुल्तानी मूलराज ने मुल्तानी सेना का नेतृत्व ग्रहण किया और लाहौर से आई सेना भी मुल्तानी सेना से मिल गई सिख राज्य के दक्षिणी भाग में हुए इस विफल विद्रोह से ये प्रकट हो गया कि ब्रिटिश सेना और सिखों में कभी भी पुनः मुकाबला हो सकता था डलहौजी इसी समय गवर्नर जनरल होकर भारत आया था किंतु उसने तुरंत हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा वह जनता वह जानता था कि विद्रोह के उग्र होने पर ही पंजाब में हस्तक्षेप करने का अवसर उसे मिलेगा पंजाब के हजारा प्रांत में भी विद्रोह आरंभ हो गया ये विद्रोह भी अंग्रेज़ों की हस्तक्षेप की नीति के कारण हुआ उस प्रांत में स्थित रेजिडेंट के सहायक ने गवर्नर छत्तर सिंह को हटाकर उसकी जागीर पर कब्जा करने का निर्णय लिया निदान छत्तर सिंह और उसके पुत्र शेर सिंह ने विधि अंग्रेज़ों के खिलाफ शक्ति संचय करना आरंभ कर दिया अन्य उत्तर उतार अतार वाला सरदारों ने भी सिख सेना के संगठन में सहयोग किया सिख सरदार युद्ध के समय सैनिक शस्त्रों और संख्या दोनों ही तरह से विपक्षी सेना के मुकाबले में कमज़ोर अनुभव कर रहे थे इस कारण उन्होंने छेनप और झेलम के बीच के क्षेत्र को युद्ध के लिए उपयुक्त समझा शेर सिंह और मूलराज के सैनिकों ने मिलकर मौका था दोनों पक्षों में शक्ति का असमानता के कारण सिक्कों में निराशा व्याप्त थी चिलियनवाला में जनवरी अठारह में जो युद्ध हुआ उसमें ब्रिटिश सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी इसी अधिक तैयारी करके ब्रिटिश सेना दूसरी मुठभेड़ के लिए तैयार हुई गुजरात नामक स्थान पर सिख पराजित हुए याद करिएगा दोस्तों यहाँ पर द्वितीय सिख युद्ध जो पराजित हुए वो गुजरात पर हुए बची हुई सेना के साथ शेर सिंह ने झेलम पार्क के क्षेत्र में शरण ली शीघ्र ही उत्तरवालिया सरदारों द्वारा पराजय स्वीकार किए जाने पर डलहौजी ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी शेर सिंह को भी पकड़कर कलकत्ता भेज दिया गया इस प्रकार संपूर्ण पंजाब पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसने पूरी तरह से रिजल्ट दे दिया था अब यहाँ पर पूरे पंजाब पर अंग्रेज़ों का राज्य हो गया था द्वितीय आंगल सिख युद्ध के परिणाम दोस्तों क्या परिणाम हुए वॉट इज अंसिक्वेंस ऑफ द एंग्लो सिक्स वॉर सिख राज्य पर अंग्रेज़ों का अधिकार मार्च एटीन हंड्रेड में गवर्नर जनरल की एक घोषणा द्वारा पंजाब में सिख राज्य समाप्त कर दिया गया और दिलीप सिंह महाराजा के अधीनश सारे राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया इस प्रकार सिख सेना की पराजय के तुरंत बाद बिना किसी प्रकार का विलंब किए डलहौजी ने व्यक्तिगत रूप से पंजाब पर अंग्रेजी झंडा फहराने का निश्चय किया बड़े गर्व के साथ उसने स्वदेश में अपने मित्र को सूचना भेजी थी पंजाब की हर इंच भूमि अंग्रेज़ों के कब्जे में कर ली गई है ये स्मर्णीय रहेगा कि पंजाब राज्य का अंत करने का निर्णय डलहौजी ने स्वयं लिया वह जानता था कि इंग्लैंड में इस प्रश्न पर मतैक्य नहीं था यह भी संभव था कि डलहौजी को पंजाब पर अधिकार की अनुमति ना मिलती इस कठिनाई से बचने के लिए ही उसने इतना उतावलापन दिखाया और पंजाब पर अधिकार कर लेने के बाद इंग्लैंड सूचना भेजी गई इसलिए पंजाब पर अधिकार करने की इतनी जल्दी की गई इन तथ्यों से ये स्पष्ट हो जाता है कि डलहौजी जिस प्रकार से भी संभव हो सके पंजाब पर अधिकार करना चाहता था और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने वालों में सर्व प्रमुख स्थान पाने के लिए सर कृतज्ञ संकल्प था तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर द्वितीय आंगल सिख युद्ध की समाप्ति हुई दोस्तों हम लोग कारण और उसके परिणाम सबको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरी पृष्ठभूमि मैंने डिस्कस करी है तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो आपको वाकई अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर और आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए टिल देन टेक केयर गुड बाय